हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। यश टू ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस पे मिलेंगी। दोस्तों, आज आपको हम कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी यानी कि फंडामेंटल से रिलेटेड जानकारी देंगे। दोस्तों, ये बेसिक से एकदम बेसिक से रहेगा, एडवांस तक जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम समय में सत्य और विश्वसनीय प्रदान करता है और हमारे दिए गए निर्देशों का पालन करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। या आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ने किया था। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है? दोस्तों, कंप्यूटर में जो भी हम कार्य करते हैं इन सभी को कंप्यूटर की भाषा में डेटा कहते हैं। जैसे कि शब्द, अंक, अक्षर, वॉलपेपर, सभी को कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? या तीव्र गति से कार्य करता है, या त्रुटि रहित कार्य करता है, या अस्थायी तथा विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है। कंप्यूटर बिना थके हुए लगातार कार्य कर सकता है। दोस्तों, यह त्रुटि रहित मतलब बिना गलती के काम करता है, या अस्थायी तथा विशाल भंडार क्षमता की सुविधा देता है, और कंप्यूटर बिना थके हुए लगातार कार्य करता है। दोस्तों, इंसान होते हैं काम करते करते थक जाते हैं, बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। दिन भर आप काम करिए, कंप्यूटर थकेगा नहीं। उसके बाद आता है यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? दोस्तों, आपको पता है कि कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह हो रहा है। आने वाले जनरेशन में कंप्यूटर का प्रयोग सभी जगह होने लगेगा। कोई ऐसी स्टोर, ऐसी दुकान नहीं होगी जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग ना होता हो। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है शिक्षा यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस में, व्यापार यानी बिजनेस में। दोस्तों, उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इतिहास का ये पहला कंप्यूटर है। दोस्तों, इस कंप्यूटर का नाम है अबेकस। दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर जो कि लकड़ी का बना था और इसमें तार लगे थे, जो कि गोटी इसमें लगी है जिसको मोती बोलते हैं। तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा गणना की जाती है। दोस्तों, इसे सिर्फ हम गणना कर सकते हैं और इससे कुछ नहीं होता है, बस गणना कर सकते हैं। तो ये है आपका हिस्ट्री का पहला कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का नाम है अबेकस। दोस्तों, इतिहास के तीन कंप्यूटर बने हैं। दूसरा कंप्यूटर ये है पास्कल कैलकुलेटर। दोस्तों, सन 1665 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने इसको बनाया था और इसमें भी सिर्फ गणना किया जाता था और ये भी एक मेटल का बना हुआ था। इसमें 1 से लेकर 9 तक संख्या होती हैं जिसके थ्रू गणना कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है दोस्तों, ये तीसरा कंप्यूटर है, इतिहास का ये तीसरा कंप्यूटर है जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। दोस्तों, सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने ऑटोमेटेड वीविंग लूम का आविष्कार किया। दोस्तों, इससे कपड़े की बुनाई होती थी। उसके बाद सन 1820 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। किसने किया? चार्ल्स बैबेज ने एक इस कंसेप्ट को लेकर के एक प्रोटोटाइप का कंप्यूटर बनाया। दोस्तों, सन 1820 में बनाया। उसके बाद 2 साल लग गए कंप्यूटर का आविष्कार करने में, पूरी तरीके से कंप्यूटर चलाने के लिए। इसलिए कंप्यूटर को सन 1822 में बोला जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार सन 1822 ईस्वी में हुआ है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है कंप्यूटर जनरेशन। अब तक आपने पढ़ा कि इतिहास के तीन कंप्यूटर है, अबेकस एंड पास्कल कैलकुलेटर एंड एनालिटिकल इंजन। उसके बाद कंप्यूटर का जनरेशन शुरू हुआ। यह है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक। दोस्तों, इस कंप्यूटर का नाम है ENIAC। इसको बनाया था IBM कंपनी ने। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों, इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब लगता था। वैक्यूम ट्यूब काफ़ी गर्म होता था। जब ये गर्म होता था तो इसमें काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती थी जिसकी वजह से बहुत गर्मी होती थी। इसको ठंड रखने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रयोग करना पड़ा जिसके वजह से काफ़ी बिजली की खपत होती थी और कंप्यूटर चलाना आसान नहीं था। इसलिए इस कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया।
दोस्तों यह है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1964 तक। दोस्तों पहला कंप्यूटर जो था एक रूम के साइज का कंप्यूटर था, काफ़ी बड़ा कंप्यूटर था। उसके बाद ये दूसरा जनरेशन का कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, इसको थोड़ा सा छोटा किए और वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसका भी एग्जाम्पल है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दोस्तों ये दूसरा जनरेशन कंप्यूटर है। उसके बाद आया तीसरे जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1974 तक। दोस्तों तीसरे जनरेशन कंप्यूटर से ही हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप करना संभव हुआ। यहाँ आपको ट्रांजिस्टर के जगह पर IC का प्रयोग किया गया। दोस्तों इसमें दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर पर जहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे वहाँ पर IC का प्रयोग करना संभव हुआ। दोस्तों इसमें लगा IC। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका भी एग्जाम्पल है IBM 360 370 NCR 395। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट हुआ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से अपटिल, ठीक है। ये कंप्यूटर IBM इसको भी बनाया था। इसका एग्जांपल है IBM PC एप्पल सेकंड। दोस्तों जहां पर IC का प्रयोग किया गया उस जगह पर VLSIC का प्रयोग किया गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यह और भी हाई क्वालिटी का कंप्यूटर बना और इसमें सारी चीज़ें और भी आसान हुई और छोटा हो गया। पहले एक रूम का साइज का कंप्यूटर था, फिर उसे थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हुआ और उससे छोटा हुआ। जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब लगा था वहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, फिर उसके जगह IC का प्रयोग किया गया, उसके जगह VLSIC का प्रयोग किया गया। ये है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। दोस्तों इसके बाद स्टार्ट हुआ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एट प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है। इसका एग्जाम्पल है लैपटॉप, डेस्कटॉप, पम्पटॉप, ये सभी जो हैं। दोस्तों VLSIC के जगह पर ULIC का प्रयोग किया गया, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों इस कंप्यूटर में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बहुत फास्ट काम करते हैं, गेमिंग कर सकते हैं आप। ये काफ़ी हाई लैंग्वेज इसमें डेवलप किए गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन हाई क्वालिटी का होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी हाई क्वालिटी का कंप्यूटर है। दोस्तों ये था आपका कंप्यूटर जनरेशन। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।